ओम नमः शिवाय। आप तो जानते ही हैं महाशिवरात्रि 21 फरवरी माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को है, और आप ये भी जानते होंगे कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाती है। इसी काल का शुभ समय रात्रि 12:30 से दोपहर 1:17 तक का शुभ काल है। इसी बात को देखते हुए हम शिव जी की विशेषताएं व उनके विचित्र एवं अद्भुत श्रृंगार की चर्चा करेंगे। पहली बात हम गंगा माता की करेंगे। इनकी उत्पत्ति एवं अर्थ। एक संस्कृत का श्लोक है, गम्यति भगवत पद्मती गंगा, अर्थात जो स्नान करता जीव भगवत पद तक पहुंचाती है, मतलब भगवान के पैरों तक पहुंचाती है, वह गंगा है। दूसरा श्लोक है, गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थ भेदी गंगा, अर्थात जिसके पास मोक्षार्थी व मोक्ष प्राप्त करने वाले जाते हैं वो गंगा है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री से है। इस आध्यात्मिक गंगा का अंशात्मक तत्व है पृथ्वी पर गंगा नदी, जो प्रदूषित होने पर भी अपनी पवित्रता सदैव बनाए रखती है। इसलिए विश्व के किसी भी जल की तुलना में गंगा जल अधिक पवित्र है। ऐसा सूक्ष्म के जानकर ही नहीं अपितु वैज्ञानिक भी मानते हैं। दूसरी बात हम जिसकी करने वाले हैं, चंद्र। मस्तक पर चंद्रमा ममता, क्षमाशीलता एवं वात्सल्य, इन तीन गुणों की संयुक्त अवस्था है। तीसरा त्रिनेत्र, तीसरी आंख। ऊर्ध्व तृतीय नेत्र दाहिने एवं बाएं नेत्रों की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। वह अंतीन्द्रिय शक्ति का महापीठ है। इसे ही ज्योतिर्मठ, व्यासपीठ इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। शिव का तीसरा नेत्र तेजस्व का प्रतीक है, इसलिए शिव के चित्र में भी तीसरे नेत्र का आकार ज्योति के समान है। शिव जी ने तीसरे नेत्र से काम दहन किया है। सही ज्ञानी पर काम के प्रहार होते प्रमाणित होते हैं। इतना ही नहीं, अभी तो खरा ज्ञानी अपने ज्ञान के तेज से समस्त कामनाओं को ही भस्म कर देता है। योग शास्त्र अनुसार तीसरा नेत्र अर्थात सुषुम्ना नाड़ी है। शंकर जी त्रिनेत्र हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल अर्थात त्रिकाल की घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। चौथी चीज है नाग। नाग को शिव का आयुध भी माना जाता है। विश्व के नौ नागों का नव नारायण भी कहते हैं। नवनाथों की उत्पत्ति नौ नागों से ही हुई है। पांचवी चीज है रुद्राक्ष। अपने बाल, गले, भुजाओं, कलाइयों एवं कटी पर शिव ने रुद्राक्ष मालाएं धारण की है। छठा है व्याघ्रम्बर। बाघ क्रूरता का प्रतीक है। ऐसे बाघ को अर्थात रजतम गुणों को नष्ट कर शिव जी ने उसका आसन बनाया है।